कोटा झालावाड़ मार्ग पर मंडारा के नजदीक पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध बजरी से भरे 4 ट्रकों को जब्त किया और इसके साथ ही पुलिस ने ट्रकों के मुखबिर कर रहे 3 कार में सवार 13 लोगों को हिरासत में लिया। थानाधिकारी महेश कारवाल ने बताया कि पुलिस को अवैध बजरी से भरे 4 ट्रकों के कोटा से झालावाड़ जाने की सूचना बरामद हुई, जिसके बाद पुलिस ने मंडाना टोल नाके पर नाकाबंदी करवाते हुए ट्रकों और उनके पीछे चल रही कारों को जब्त कर लिया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी है। सूचना मिली थी सुबह कि कोई अवैध बजरी का परिवहन हो रहा है और इधर से अवैध बजरी जा सकती है, इसमें जाते भी गोवर्धन लाल जी हेड साहब को लेकर वहाँ मौके पर पहुंचे, नाकाबंदी की, उसी के दौरान 3 कार और 4 बजरी से भरे हुए ट्रक थे, इसमें कुल 13 आदमी थे, जिनसे बजरी को परिवहन करने संबंधी दस्तावेज मांगे हुए, दस्तावेज नहीं मिलने पर जो अवैध बजरी थी उसको जब्त कर लिया चारों ट्रकों को और 3 कारों को और 13 आदमी। अवैध बजरी का इनके पास कोई रवाना नहीं है और ये जो लेके आए हैं इनका बताना है कि साहब भीलवाड़ा में बनास नदी से हम अवैध। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।